बलरामपुर प्रखंड के दो अलग अलग पंचायतों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते सारा सामान जलकर राख हो गया। खबर है बलरामपुर से, जहां पहली घटना बलरामपुर प्रखंड के किरोड़ा पंचायत बाजर गांव स्थित शकील के घर की है, जहां अचानक आग लग गई जिसमें सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि घटना गुरुवार की 2 बजे की रात की है। वहीं स्थानीय लोगों ने यह भी बताया है कि आग कैसे लगी या किसी ने दुश्मनी से लगाई ये कहना मुश्किल है, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग में के चपेट में आने के कारण कई घर भी जलकर राख हो गए और देखते ही देखते सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि लगभग लाखों का नुकसान हुआ है। अरे बाप, और चलो ना, अरे खड़िया में चलो ना, खड़िया में घड़ी आग लगी है। जबकि दूसरी घटना शीशाबाड़ी गांव में देर रात मुर्शिद आलम के घर में आग लगने की है। स्थानीय लोगों की माने तो मुर्शिद आलम के घर में आग लगी है, जहां वो पशुओं के चारा रखते थे और देखते ही देखते पशुओं के लिए रखा चारा जलकर राख हो गया।